क्रिश भारती के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा गाइस। यही है गाइस, वो सर मिस्टर राउत पूरा बैच की टॉपर, मेरी रूममेट। हाँ, वहाँ मॉनिटर रिजल्ट गाइस, अटैक हो गया गाइस। बाय बाय पंजन होटल, डे टू ऑफ सुंदरबन ट्रिप्स। तो आज हम लोग जाने वाले हैं, यही से सामने एक बोट खड़ी है, इसी बोट से हम लोग जाएंगे कहीं आइलैंड विजिट करने। यही है बोट, इसी से हम लोग जाएंगे आइलैंड पे। तो हम लोग बोट पे आ गए हैं और अब हम लोग जाएंगे आइलैंड देखने के लिए। मुझे अभी आपको हम दिखाते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं। ये देखिए सुबह का इतना अच्छा नज़ारा, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो हम लोग आराम से जा रहे हैं इतने सारे लोगों के साथ। हम लोग वहाँ उतरने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग उस आइलैंड पे जाएंगे, जब देखेंगे अंदर क्या क्या है। अब वहाँ हम लोग उतरेंगे और क्या करेंगे, हम लोग जंगल सफारी करने के लिए जाएंगे। क्या पता कुछ दिखता है कि नहीं। निमेटो निमेटो फोर्स तो दिख रहे हैं, एनसीईआरटी। अरे बस जूते गंदे ना हो जाएं। देखो मेरे जूते कितने साफ हैं, कितने साफ जूते हैं, ये गंदे हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं हमको यहाँ। अब हम लोग बोट से उतर रहे हैं। अब यहाँ हम लोग, यहाँ से हमारा सफर शुरू होता है। फिर से बोल दो वो। क्रिश भारती के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा गाइस। वेलकम गाइस, आज हम आए हैं सुंदरबन फॉरेस्ट देखने के लिए। हाँ। अभी फॉरेस्ट तो पता नहीं, टाइगर अगर दिखेगा तो अच्छी बात है, नहीं दिखा तो भी कोई बात नहीं, अपना क्या है, काम ब्लॉग बनाना, घूमना, एंजॉय करना, वो हम कर रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं आपसे बाद में, चलिए अभी के लिए बाय बाय। नाम बताओ मेरा नाम, अरे मेरा नाम क्या है, आप मेरे को रोज ही देख लोगे, कभी ना कभी पता चल ही जाएगा। इसे अजीब सा पानी है। वाइल्ड लाइफ देखने का चांसेस ज्यादा मिले, क्योंकि अभी अभी लो टाइड चल रहा है, तो लो टाइड के दौरान, क्योंकि सुंदरबन जो इतने सारे टाइगर रिजर्व इंडिया में है, सुंदरबन ये टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट। टर्टल, ये टर्टल वो इस पानी में था लेकिन हमें दिखेगा नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के, जो है अनअकैडमी। तो अनअकैडमी पे अभी नीट यूजी 2022 के लिए एक ही बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, और इस ऑफर का जो वैलिडिटी है 17 मार्च से 20 मार्च तक वैलिड है। तो आप मेरा कोड NEELESH10 यूज करके इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के जो प्राइसेज हैं प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के, वो हाइक करने वाले हैं 30 मार्च से। तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि जो प्राइस हाइक होने वाले 30 मार्च से, उसके पहले ही अगर आप कोई प्लान लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि पुराने और नए प्राइसेस क्या होने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के। और अनअकैडमी पे 20 मार्च से 11 AM से नीट UG मेगा कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर आपको 45 मिनट्स में 28 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये जो टेस्ट है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, और अगर आप इसमें अच्छा रैंक लाते हो तो आपको बहुत सारे प्राइजेस और स्कॉलरशिप भी मिल सकते हैं। तो आप मेरा कोड NEELESH10 यूज करके इसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं। और अनअकैडमी पे नीट UG 2022 के लिए 23 मार्च 2022 से एक प्रैक्टिस बैच का भी लॉन्च हुआ है, जिसमें आप इनरोलमेंट ले सकते हो। और अनअकैडमी पे नीट UG 2023 के लिए 23 मार्च से एक इंथ्यूज बैच का भी लॉन्च हुआ है, जिसमें आप इनरोलमेंट ले सकते हो। और अनअकैडमी पे एक बहुत अच्छा फीचर आया है जिसका नाम है अनअकैडमी आस्क ए डाउट, जिसमें आप अपने डाउट को सिर्फ एक सिंपल सी पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके और आप सबमिट कर सकते हैं अपने डाउट्स को। आप एक बार में 3 डाउट्स तक पूछ सकते हो और उस डाउट का आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। और ये जो अनअकैडमी आस्क ए डाउट फैसिलिटी है, ये बोथ वेबसाइट एंड ऐप पे अवेलेबल है। जाना चाहिए या नहीं, और क्या चाहिए तुमको, जाना चाहिए। तो एक यहाँ से ओवरव्यू सारे जगह का, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। हमें शेर का बच्चा दिखा है, वो वहाँ शेर का बच्चा दिखा है गाइस। अब हम लोग बोट पे जाने गाइस, बोट पे जाएंगे गाइस, फिर दूसरे टावर पे जाएंगे। यहाँ पर एक शेर का बच्चा दिखा है। हाँ, बस हम लोग अब नीचे जा रहे हैं।
बस जा रहे हैं हम लोग बोट पे। गाइस हमारे सामने बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। यही है गाइस वो सर मिस्टर राउत आइलैंड की कौन सी बैच MNJ बैच। और ये है हमारे नीलेश भारती जो कि द टॉपर है जिनको ऑनर्स मिला है एनाटॉमी में। इन्हें दो सब्जेक्ट में मिला है। बस इसको शेयर एंड सब्सक्राइब वाली को फिर से ये है हमारी तीसरी टॉपर गाइस, हमारी पूरा बैच की टॉपर, मेरी रूममेट। हाँ, इसके पास 24 घंटे में 48 घंटे है पढ़ने के लिए। हाँ, यही इसके तीनों सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है, टोटल 78%। ठीक, 78% में हमारे जैसे तीन लोग पास कर जाएं। बच्चा को देखिए गाइस, वाह वाह। हाँ लिस्ट दिखाना। हाँ दिखा, वहाँ मॉनिटर लिजर्ड कहाँ पे अभी हम लोग? हम लोग अभी मॉनिटर लिजर्ड के कैंपस में हैं और कैंपस के अराउंड घूम रहे हैं और अभी कुछ देर बाद एग्जिट आ जाएगी और वहाँ पे हमारी बोट होगी तैयार हमारे लिए और इसके बाद हम जाने वाले हैं जंगलों के बीच। अरे अभी खाला गाइस, अटैक हो गया गाइस। अरे अरे अटैक हो गया गाइस, भागे गाइस, अबे भागे गाइस, वहीं पे हम लोग जाएंगे बोट पे। हेलो एवरीवन, दिस इज मी लक्की बंसल एंड ही इज माय फ्रेंड, नॉट सो गुड बट ठीक ठाक है, नीलेश भारती। तो उसका चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। यहाँ से हम लोग जाएंगे अब। ये पूरा फैमिली है, ये शायद मछलियाँ पकड़ने आई हैं। अब हम लोग बोट पे आ गए हैं तो हम लोग जाएंगे जो मेन जो फॉरेस्ट के होता है वो देखने के लिए। अभी आराम से बोट पे बैठे हुए हैं, कुछ दिनों बाद ये आराम नहीं रहेगा भाई, हमारा सेमेस्टर सारा। तो जब तक एंजॉय कर सकते हैं तब तक लाइफ एंजॉय कर लेनी। तो अभी उन्होंने जो बताया, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे जो टाइगर को रोकने के लिए एक नायलॉन का वो बिछाया गया है दीवार, जो कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर के जैसा काम करता है जिससे वो गांव में ना आ जाए। और बहुत सारे इंस्टेंस भी हुए हैं कि ये टाइगर गांव में भी आ गए हैं। तो अभी हम लोग वहीं जाएंगे कि हम लोग बोट फेरी से वो बीच से जाएंगे, हमें शांत रहने को कहा गया है कि जिससे मतलब जो जानवर से जो वाइल्ड लाइफ है वो किनारे पे आ सके और हम उन्हें देख सके। बस इतना ही है। ये है फॉरेस्ट, वहाँ पे बाकी के नाव है गाइज, वहाँ हिरन है, देखे 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 वहाँ हिरन है। अभी आइलैंड डुबा रहे हैं। बस ओह, ये संगम आ गया, हम पहुँच गए हैं। हाँ, 3.5 घंटे के सफर के बाद संगम देखिए आप कितना मतलब कि हम लोग अभी उतरे हैं, थोड़ा वॉक करेंगे। दो बंकी का ये लोग मतलब निकाले, क्या होता है ये है दो बंकी का मतलब राकेश और जोशी ने ये निकाला कि दो बैंक का मिलन, अलग अलग, हाँ दो अलग अलग नदियों के बैंक का मिलन, दो बंकी। हम लोग पिंजरे के अंदर हैं, ये अभी टावर के ऊपर का सीन, नॉर्मल सा घूम रहे हैं अभी। माइटी टाइगर हैज बीन वेनरेटेड एज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट सिंस टाइम इमेमोरियल, सो इन सुंदरबंस ही इज वर्शिप्ड एज द टाइगर गॉड ऑफ द कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द लोकल पीपल।
थैंक यू अविला सर। तो गाइस सामने लिखा हुआ है थैंक यू विजिट अगेन, जो था यहीं तक था। तो हम लोग बोर्ड पे फिर से वापस आ गए हैं। लंच करेंगे भाई, भूख थोड़ी जाएंगे। इसे भूख लगी है लगी ऐसे हमें जाते वक्त क्या मिला है देखेगा, जाते वक्त क्या मिला है। वो वहाँ धूप सेकने आया है, चलो हमें कुछ तो दिख गया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं गाइस, यहाँ से मतलब अब फिर से भाई संगम पे आ गए हम लोग। देखिए गाइस कितना अच्छा ये सीनरी है, ये एकदम रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा आ रहा है। तो गाइस अभी 4:30 हो रहे हैं, तो अभी बहुत ही अच्छा अभी सनसेट है, तो अभी आपको हम दिखाते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे वापस, तो अभी हम लोग स्नैक्स खाएंगे फिर वापस बस में जाएंगे, तो अभी आपको मस्त सनसेट दिखाते हैं। देखिए मतलब कि ये कितना अच्छा लग रहा है देखने को, ये देखिए ये मतलब कि नेक्स्ट लेवल, सुनहरा धूप सुनहरा पानी। ये देखिए क्या क्या सनकिस्ट पिक्चर आई, ओफ। तो ये हमारी सफर का कुछ आखिरी समय है, तो भाई धूप को एंजॉय कीजिए फिर क्या मिला। एकदम सनसेट मार्क्स द एंड ऑफ द डे, द एंड ऑफ द ट्रिप, द एंड ऑफ द व्लॉग। इसके आगे हम यहाँ से, मैंने गाइड से पता किया है, हमको 40 मिनट्स लगेगा हमारे मतलब किनारे पहुँचने, और किनारे से बस से हॉस्टल से वही जिंदगी वापस शुरू हो जाएगी। वही कॉलेज, वही किताबें, वही एग्जाम, वही स्ट्रगल। दो दिन का बहुत अच्छा सफर था, मजा आया हमें काफी। एम्स कल्याणी का ये पहला कॉलेज ट्रिप था, तो आगे भी होगा। आगे कहीं हम लोग गोवा चले जाए, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तो मिलते हैं बस पे। सुंदरवंस डे 2 लास्ट सनसेट, कितना खूबसूरत है, आप एंजॉय कीजिए। बाय बोल दो। तो इन दो दिनों में बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं, एकदम बुक देखा ही नहीं है, बात ही नहीं की है। तो हम लोग वापस अपने बेस पे आ गए, तो यहाँ है वहीं से हमारा बस रुका था, यही हमारा बस है। इस बस में हम लोग बैठेंगे और वापस अपने कॉलेज जाएंगे, एम्स कल्याणी। थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ट्रिप, थैंक यू सो मच। कुछ कहना है? या, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कमिंग हियर, एंड और भी ऐसे ट्रिप्स होते हैं तो हमारे भी कॉलेज में थोड़ा मन लगा। अभी कितने बजे? 12:30, 12:30 बस हमारा एंट्री होगा, यही था हमारा प्रेडिक्टेड टाइम, 12:30 और पहुंच गया हम इस टाइम पर। तो हम लोग अपने हॉस्टल पहुंच गए, देख सकते हैं अभी सबका फेस कैसा है। हम नहीं पहुंचे, हमारा हॉस्टल दूर है। इनका हॉस्टल दूर है, इन्हें बहुत चल के जाना है, क्या करें, सिंगल रूम का कुछ तो। जाएंगे अभी हॉस्टल और सो जाएंगे। यहीं तक था जो था। तो हम लोग इस व्लॉग का एंड होगा, तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है एम्स कल्याणी से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।